अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नोवाज़ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मेज़बान बलोशा सईद। ख्वाब की ताबीत के सफ़र में आज हमारे साथ नोवा की एक बहुत ही स्पेशल स्टार ज़रगुना खालिद सईद मौजूद हैं, जिन्होंने सी एस एस 2022 में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए पूरे पाकिस्तान में 36 और केपी में 3rd पोजीशन हासिल की है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उनकी एलोकेशन हुई है। आइए ज़रगुना से उनकी कामयाबी के सफ़र के बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़रगुना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रगुना, कैसा फील हो रहा है आपको? थोड़ी सी मतलब यकीन भी नहीं आ रहा और ख़ुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी एक हफ़्ता गुजरा है तो कुछ टाइम बेयकीनी में गुजरते हैं और जब यकीन आ जाते हैं तो फिर खुशी बहुत होती है, लेकिन रोज़ रात को और सुबह उठते हुए रिजल्ट ज़रूर देखती हूँ कि आपका है, मतलब जी कंफर्म हो जाए कि नहीं, अभी तक ख्वाब नहीं चल रहा। बिल्कुल, अभी मिल गई है। तो हुना, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट आया? अच्छा, रिजल्ट जो ऑफिशियल FPSC की वेबसाइट से पहले रिजल्ट एक लीक हो गया था ना, सोशल मीडिया पर आ रहा था, तब जैसे ही मैंने रिजल्ट खोला था उससे पहले तो मैं दुआएं मांग रही थी और एंड में मतलब मेरी एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बस दुआ भी नहीं मांग सकती थी। रिज़ल्ट आया, मैंने खोला और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं एंड में जाकर अपना नाम देखूं जो आखिरी पेजेस में थे। अब जैसे पहला पेज खोला, KP के जो हमजा एहतिशाम है मेरे बैचमेट, उनके डायरेक्ट बाद मेरा नाम था, तो मेरे तो आंखों के सामने अंधेरा आ गया। मैं भागी, अम्मी घर में थी और कोई था नहीं। मैंने अम्मी से कहा कि मतलब रिजल्ट आए हुए लेकिन मुझे लग रहा है ये फेक है, मेरा मतलब इतनी अच्छी पोजीशन नहीं आ सकती और पास में तो मतलब यकीन नहीं आ रहा था। तो काफ़ी एक दो घंटे तक तो मैंने घर वालों को मतलब होल्ड पे बिठाया था कि अभी खुशी ना मनाए, मुझे लगता है ये लेट है, ये फेक है। और फिर मैंने सर से कंफर्म भी करा है लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा जब तक FPSC की वेबसाइट पर मैं प्रॉपर रिजल्ट ना देखूँ मैं कोई नहीं खुशी मनाएगा, लेकिन जब फिर वहाँ पर भी देखा तो एक मतलब यकीन नहीं आ रहा था ना, तो वो खुशी और बेयकीनी की हालत थी। इवन एक हफ्ता गुजर गया अभी तक वही मेरे ख्याल में आपको यकीन आना शुरू हो गया अब थोड़ा थोड़ा। अच्छा ज़रगुना, आपने बताया आपसे भी डिस्कशन हो रही थी, माशाल्लाह आप डॉक्टर भी हैं, तो क्यों स्विच की अपने मेडिकल की फील्ड और कब ख्याल आया कि नहीं मुझे तो सिविल सर्विस में जाना है या मुझे ये करना है? अच्छा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन के बाद खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हुई, हाउस जॉब के डायरेक्ट बाद मुझे जॉब मिल गई। आई वाज द लकी वन कि मैं अपने क्लास में मतलब तकरीबन पहली बंदी थी शायद जिसको जॉब मिली थी, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। मतलब मैं वो बंदी थी कि मुझे कुछ एक डिफरेंस लाना था, तो मैं मतलब मेरे दिमाग में ये चलता था कि मैं रोज़ 20 मरीज़ देख लूँगी या ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक लेक्चर ले लूँगी हफ्ते में, मतलब मैं वो नहीं कर पा रही, मैं कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रही। और मतलब मेरे दिमाग में ये था कि एक फ़ीमेल को, स्पेशली जो हमारी सोसाइटी होती है अभी तक मतलब कंज़र्वेटिव सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर एक फ़ीमेल को एक अथॉरिटेटिव ऑफिस में बैठकर मैं कहती थी कि और फीमेल्स इनक्रेज होंगी और फीमेल्स, एक औरत को सरकारी दफ्तर में आना आसान हो जाएगा। हमारी जगह जगहों पे अभी तक औरत को मतलब पुलिस स्टेशन या AC ऑफिस नहीं आने की इजाज़त नहीं है, तो मेरे मतलब यही वो था कि मैं एक डिफरेंस क्रिएट करूँ और स्पेशली औरतों के लिए क्रिएट करूँ और कंजर्वेटिव सोसाइटी की। अच्छा, दूसरा ये था कि जब मुझे जॉब मिली, मैं मर्दान में जॉब मिली और उस टाइम मर्दान की पहली असिस्टेंट कमिश्नर आई थी गुलबानो, तो वो मर्दान में लोग यही बातें कहते थे कि पहले लोग अपनी बेटियों को डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे और अब जो मतलब ऐसी सोसाइटी में लोग अब लोगों की ख्वाहिश हो गई थी कि हमारी बेटियां अब असिस्टेंट कमिश्नर बन जाए या सरकारी दफ्तरों में आ जाए, तो एक मतलब उनकी वजह से भी इंकरेजमेंट लोगों को मिली, तो मैं दूसरी मैम गुलबानो बनना चाहती थी। माशाल्लाह, तो मतलब आपकी इंस्पिरेशन गुलबानो से स्टार्ट हुई जब वो असिस्टेंट कमिश्नर आपके इलाके की आई और इंस्पिरेशन के खातून जो है वो भी इस ऑफिस में आनी चाहिए। अच्छा, इंस्पिरेशन मेरी बहुत शुरू से थी, मेरे फादर के एक कज़न IG रह चुके थे अज़ीज़ ख़ान, तो हमारी फैमिली में वो तकरीबन उनको रिटायर हुए भी कुछ डेकेड्स गुजरे, उनके बाद कोई सिविल सर्विस में नहीं आया, अटेम्प्ट की लेकिन नहीं आ सके, तो मेरे दिमाग में शुरू से मतलब मुझे उनकी तरह बनना था, लेकिन ये था कि खुद पे यकीन नहीं था काफ़ी टाइम तक, मतलब ये मेरा वो ख्वाब था जो मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी, मुझे वो खुद पर यकीन नहीं था, तो जब खुद पे यकीन आ गया कि मैं कर सकती हूँ तो फिर मैंने तैयारी करनी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर बैठी हूँ। माशाल्लाह। ज़रगुना, आपकी इब्तदाई तालीम है, जैसे आपने बताया कि आप मर्दान से बिलोंग करती हैं, तो जो आपकी इनिशियल एजुकेशन थी वो भी मर्दान की ही है? जी जी, असल में मेरी इनिशियल एजुकेशन मर्दान से शुरू हुई, फिर मैं कुछ अरसे के लिए 410 शिफ्ट हुई अपनी मटर्नल जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके पास,
फिर उसके बाद मैं पेशावर गई, तो तीन अलग जगह पे एजुकेशन है। कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताएं, पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बारे में बताएं। अच्छा, मेरी अभी फैमिली में मेरी मदर होती है और हम चार बहन भाई है, तीन बहन है एक भाई है। मेरी जो सबसे बड़ी बहन है वो रेजिडेंट गायनोकोलॉजिस्ट है, दूसरी बहन डबल मास्टर्स किया हुआ है, वो अभी और भी पढ़ रही है, और फिर मैं हूँ, और मेरे बाद मेरा भाई रेजिडेंट कार्डियोलॉजिस्ट है। तो ये फैमिली, और मेरे फादर, मैं 5 ईयर्स की थी जब उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। तो अभी हम फैमिली में बस चार पांच लोग ही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जगुना, आप सी एस एस की तरफ आपके आते हैं, सी एस एस के जर्नी की तरफ आते हैं, आपने स्टार्ट में जब आपने जैसे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चेयर किए और सेकेंड अटेम्प्ट में आपने जो है वो पास किया, तो पहली अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में अपने ऑप्शनल चेंज किए था या वही ऑप्शनल्स थे? नहीं नहीं, मैंने पहली अटेम्प्ट से ऑप्शनल्स चेंज नहीं किए थे, लेकिन ऑप्शन तैयारी ज़्यादा अच्छी कर दी थी, जो ऑलरेडी तैयारी हुई थी उसको काफ़ी ज़्यादा पॉलिश कर दिया था। ठीक है, तो और आपके ऑप्शंस IR, US हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, जनरल स्टडीज़ और पश्तो रहे, और उसमें जो आपका स्कोर आया है वो क्रिमिनोलॉजी, जनरल स्टडीज़ और पश्तो में बहुत अच्छा स्कोर लिया आपने, जबकि बैकग्राउंड आपका माशाल्लाह से मेडिकल करा है। तो पश्तो एक लिटरेचर है, जनरल स्टडीज़ एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, और फिर क्रिमिनोलॉजी भी, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा स्कोर कैसे ले लिया? तो पश्तो का तो ये था कि मेरी एक तो रीजनल लैंग्वेज था, तो मैंने तो आप इसलिए किया था, ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड नहीं था किसी भी सब्जेक्ट का, तो मैं मैंने रैंडमली काइंड ऑफ रैंडमली ऑप्ट करना था। तो पश्तो तो मैंने ये सुना था कि रीजनल लैंग्वेज स्कोरिंग है, दूसरा ये कि घर में पश्तो बोलते थे, तो यहाँ पर नोवा के टीचर्स कहते थे कि बेशक जो लोग घर में बोलते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद उनकी उनको आ जाती है, दूसरा ये कि मेरी अम्मी के पास एक मतलब एक उनकी एक डिग्री पश्तो की भी है, तो और मेरी अम्मी लिखती भी रही है, पश्तो की शायरी भी करती रही। अच्छा। रही है, अफसाने वगैरह। अब मैं लिटरेचर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता, मतलब स्टोरीज लिखती रही है, तो मुझे पश्तो पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन मैं और मेरी अम्मी और सारी बहनें एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं। अच्छा। तो उनकी जो पुरानी मैगजीन्स में मेरी अम्मी की शायरी और स्टोरीज पब्लिश हुई थी, तो वो मैं पढ़ने की कोशिश करती थी। अच्छा। तो थोड़ी बहुत वहाँ से सीखी, और फिर कुछ यहाँ पर आकर सी एस सी की तैयारी करते हुए सीखी। दूसरा, जेंडर स्टडीज़, मैं 80s में स्कोर तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। एक तो हमारा एग्ज़ाम गर्मी में हुआ था, और उस दिन मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो जब मैं पेपर से निकली तो मुझे ये लग रहा था कि मेरा पेपर फेल हो जाएगा। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन जेंडर स्टडीज़ में भी मेरी स्ट्रैटेजी ये रही है कि कुछ जो बुक्स वगैरह नोट्स मिलते हैं साथ में, मैं ज़्यादातर इंटरनेट पर सर्च करती थी, तो मुझे ये लगता है कि मेरा जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है तो वो जो कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स मैंने दी थी, तो वो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर अच्छा आया है। ठीक है। और क्रिमिनोलॉजी मुझे शुरू से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था, क्योंकि मेरे साथ अक्सर लोग IR के साथ इंटरनेशनल लॉ ले लेते हैं, लेकिन मुझे क्रिमिनोलॉजी इंटरेस्टिंग लगता था, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट की वजह से मतलब ज़्यादा पढ़ा है उसके लिए। जगुना, लाइक आपने मेडिकल का आपका बैकग्राउंड था, हाउस जॉब भी आप साथ अपना कर रही थी, और फिर आपने नोवा का ऑनलाइन बैच जो है वो CSS की तैयारी के लिए ज्वाइन किया, तो टाइम को आपने कैसे मैनेज किया, साथ अपनी जॉब भी थी, साथ CSS की तैयारी भी की? अच्छा, जब मैंने ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था तब कोविड था, और वो ड्यूटी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती थी, मतलब जो नॉर्मल रूटीन से हट कर थी, कुछ दिनों का गैप भी आ जाता था, तो 1-2 महीने ऐसे गुजरे, और उसके बाद ये था कि जब यहाँ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली थी, मैंने कहा ये अब मुझे करना ही है CSS, तो जब मतलब जज्बा आ जाते तो वो टाइम खुद ही मैनेज होता था, हो जाते। मुझे याद है मुझे 1.5 या 1 आवर ट्रैवल करना पड़ता था, तो मैं जाते हुए अखबार पढ़कर पढ़ रही होती थी, उससे डिजिटल नोट्स बनाती थी, ऑब्वियसली मतलब थोड़ा लिखने का टाइम नहीं होता था, तो ज़्यादातर डिजिटल नोट्स पे भी रिलाई करती थी। वापसी पे आते हुए मैं पश्तो की शायरी या कोई मतलब टॉपिक वो मेमोराइज कर लेती थी, तो मैं ज़्यादातर जो टाइम मुझे, या मैं वार्ड में बैठी हुई थी मरीजों के बीच में, जो टाइम होता था उसमें मैं कोई पाक अफेयर्स या इस्लामियात उठा लेती थी, रेफरेंसेस याद कर लेती थी, फिर घर आकर जो टाइम होता था वो मैं फ्रेश होकर ज़्यादातर ऑप्शनल्स को देती थी। तो बस यही होता है कि अगर एग्जैक्टली अगर जहाँ पर बंदे में मतलब एक काम एक गोल होते हैं, एम होते हैं, तो वो टाइम खुद ही मैनेज हो जाता है। जरगुना, आपने जो भी अपनी तैयारी की, जैसे आपने कहा कि इतना वक्त नहीं होता था, तो डिजिटल नोट्स बनाती थी, तो राइटिंग प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, आपने लिखे थे, क्योंकि जो 3 घंटे का पेपर आपने बैठ के देना होता है उसमें तो फिर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस की थी?
एक तो ये कि राइटिंग प्रैक्टिस के बगैर मुझे नहीं लगता सीएसएस हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो मेरा थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट था तो उसकी वजह से मैंने एसेस ज़्यादा लिखी थी, मुझे जितना टाइम मिलता था मैं एसेस लिखती थी, तो मैं मतलब अक्सर ये होता था मैं दिन में एक पैराग्राफ लिख लेती थी या कोई आउटलाइन बना लेती थी, लेकिन लिखती ज़रूर थी, ठीक है, कम लिखती थी लेकिन लिखती थी, तो वो था कि ऐसे की प्रैक्टिस ने मुझे बाकी पेपर्स में हेल्प किया, ठीक है, तो मैंने ऐसे अटेम्प्ट की थी, बाकी करने चाहिए और लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला तो उसकी वजह से मुझसे नहीं हो सका। ठीक है, तो जितना आपने लिखा या जितनी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस थी आपने उसको इवैल्यूएट या असेसमेंट कराई थी उसकी? बिल्कुल, एवेल्यूएट कराई थी, एवेल्यूएशन के बगैर असल में बंदा लिखता जाता है लेकिन समझ नहीं आती है मैं ठीक, मेरी डायरेक्शन ठीक है कि गलत डायरेक्शन है, ठीक है, तो एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ बताना चाहें कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर अटेम्प्टेशन टेक्निक्स आने चाहिए, इस बारे में अगर आप कुछ हमारे एस्पायरेंट्स को जो है वो कोई टिप्स अपने शेयर करना चाहें। प्रेजेंटेशन टेक्निक बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मेरी अभी स्टूडेंट से बात हो रही थी, मैं उनको यही बता रही थी और इस बात के साथ बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि हमें मैट्रिक और एफएससी में एफएससी में यही कहा जाता है कि पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता था, और एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी सीएसएस पीएमएस की भी होती है, जितना पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होता है ऑब्वियसली एक मतलब जो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है वो एग्जामिनर को भी अट्रैक्ट करती है, तो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। मैंने अभी कहा कि मेरा जेंडर स्टडीज़ पेपर मुझे लगता था इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ तो मेरे कुछ मतलब तैयारी के अलावा जिसने इतना डिफरेंस क्रिएट किया है इवन एसे में भी वो पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक का था। और दूसरा ये कि अच्छा एक ये भी है कि कुछ लोग सारा फोकस पेपर प्रेजेंटेशन पे कर देते, कंटेंट पे नहीं करते, तो इतनी मतलब 3 आवर्स में ऑब्वियसली इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे सकते, तो ये इतना टाइम दे पेपर प्रेजेंटेशन को कि पेपर अच्छा लगे लेकिन साथ में हाँ एग्जैक्टली वो टाइम आपका ज़ाया ना हो, तो बैलेंस करके चलना है, एक बैलेंस अप्रोच होगी तो आप एक अच्छा जितना अच्छा स्कोर आपने लिया हुआ उतना अच्छा स्कोर आप ले सकते हैं। अच्छा जरखुना, कहा जाता है कि जो भी सीएसएस का पीएमएस के जो भी पेपर्स होते हैं उनमें जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो नॉर्मली आपका एनालिसिस देखा जाता है किसी भी हवाले से, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं या क्रिटिकल स्किल्स कैसी हैं वो देखी जाती हैं। तो कोई भी एस्पायरेंट हमारा जो सीएसएस की तैयारी शुरू कर रहा है वो अपनी क्रिटिकल और एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते? अच्छा, जितनी ज़्यादा रीडिंग कर सकते हैं और उतनी ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव होगी। यहाँ पर हमारे टीचर सर बाबा खैर वो हमें कहते थे कि हमारे टाइम पे हमारे पास सोर्सेस कम होते थे तो हमें सोर्सेस के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी, लाइब्रेरियन खंगालनी पड़ती थी, किताबें मिल जाएं, और हमारे टाइम पे सोर्सेस ज़्यादा है तो उसमें से हमने जो मतलब अच्छी सोर्सेस क्वालिटी सोर्सेस वो ढूंढने में मुश्किल पड़ती है, तो अच्छी क्वालिटी के सोर्सेस को कंसल्ट करें। अच्छा सर ना, जैसे आपने कहा कि अभी हमारे पास इंटरनेट भी है, ज़्यादा सोर्सेस भी हैं, तो आप क्वालिटी के जो भी सोर्सेस हैं उनको कंसल्ट करें अपनी तैयारी के लिए, आपने कौन से सोर्सेस को कंसल्ट किया अगर हमारे देखने वालों के साथ आप वो शेयर करना चाहें? अच्छा, पाकिस्तान में जो सोर्सेस हैं तो हमारे जो थिंक टैंक्स है, अभी मेरे दिमाग में एप्री आ रहा है, ISSI आ रहा है, उसके अलावा भी काफ़ी है, उनको भी कंसल्ट करें। नोवा का एक मैगजीन आता है उसको, उसमें से तो मुझे लगता है अभी तो वो जो क्वेश्चन वाइज आते हैं कि जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं उस पे आर्टिकल्स आते हैं वो तो ज़रूर कंसल्ट करें। और दूसरा ये कि इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स इकोनॉमिस्ट उनको कंसल्ट करें। उसके अलावा मुझे लगता है मेरी ऑडियो विजुअल मेमोरी ज़्यादा अच्छी थी ना, जो मैं सुनती हूँ जो मैं देखती हूँ मुझे याद रहती है, तो ये इकोनॉमिस्ट की और मतलब डिफरेंट जो मैगजीन्स हैं उनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं, तो मैं ज़्यादा मतलब पढ़ने से ऑब्वियसली रिसर्च पेपर्स भी पढ़ती थी लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा वो वीडियोस देखने में आता था, और मैं काफ़ी ज़्यादा नोट्स यूट्यूब वीडियोस से भी बनाई हुई है, तो यूट्यूब और साथ में ये सोर्सेस। ये आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर की है। हमारे एक और नोवा स्टार थे, उन्होंने भी हमारे देखने वालों के साथ ये टिप शेयर की थी कि जो आपकी विजुअल मेमोरी होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आपने भी वही बात की कि विजुअल और ऑडियो जो है वो ज़्यादा मेमोरी भी स्ट्रांग होती है और वो देख के आपको ज़्यादा देर तक चीज़ याद रहती है। अच्छा, एक बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे अक्सर इंटरनेशनल स्कॉलर्स की लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। अब मैंने सीएसएस के एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले एक जॉन मियर शाइमर की वीडियो देखी हुई थी, तो वो मतलब उनकी बातें इन इटसेल्फ एक रेफरेंस है, तो मुझे याद है मैंने इंटरनेशनल रिलेशन पेपर में जगह जगह उनकी बातों को कोट किया था, तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है, उनको लगता है कि या बंदे ने बहुत पढ़ा है, लेकिन वो एक मुझे लगता है यूट्यूब के 10 मिनट की वीडियो से
10 रेफरेंसेस भी मिल जाते हैं, तो यूट्यूब पे भी अच्छे स्कॉलर्स को भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो हमारा देखने वाले एस्पायरेंट जो यूट्यूब पे बाकी सब चीज़ें देख लेते हैं, उनको चाहिए कि अच्छा कंटेंट जो है वो उनको सीएसएस की तैयारी के हवाले से भी वहाँ पर मिल सकता है। अच्छा सरगुना, अब आते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ। हमारे देखने वालों को ये बताइए, नोआ तो आपने ज्वाइन की थी, ऑनलाइन कोर्स था नोआ का जो आपने रिटर्न के लिए ज्वाइन किया था, तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे की और एफपीएससी के साथ जो आपका इंटरव्यू था वो कैसा रहा? रिटर्न का रिजल्ट आया तो बाकी सारे एस्पायरेंट्स की तरह मुझे भी टेंशन हो गई कि अब किस एकेडमी जाए, कहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी करें। तो उसमें असल में जैसे मैंने पहले सर बाबा खैर की बात को कोट किया था कि आजकल सोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलती है, तो वैसे ही एकेडमीज में भी चूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैं सबसे पहले नोवा का यहाँ पर जो हमारे सर अली के साथ पहला सेशन होना था, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट रह चुकी थी लेकिन असल में मैं इन पर्सन किसी से भी नहीं मिली थी। तो मैं पहले सेशन जो ओरिएंटेशन सेशन था वो अटेंड करने आई। मुझे याद है मैं जैसी स्टेज पे ऊपर आई, सर फरीद अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे और मेरा ऑनलाइन सर के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। सर मुझे मतलब नाम जानते थे लेकिन ऑब्वियसली इन पर्सन मिले नहीं थे तो नहीं पहचानते थे। तो सर स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे, मैं पीछे आई, सर हैरान हो गए, सर कह रहे थे कि ये कौन है। मैंने कहा सर आपने मुझे पहचाना है? कहते नहीं। मैंने कहा सर ज़रूना, तो उनको याद आ गया। मैं रिटर्न का असल में नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, ऑलमोस्ट ज़्यादातर एस्पायरेंट्स की तरह हम रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करते कि पास हो जाएगा, तो हम इंटरव्यू का नहीं सोचते। तो मैंने कहा सर रिटर्न तो पास हो गए, इंटरव्यू का भी नहीं सोचा। तो सर ने मुझे एक बात बताई थी कि अब तुम हमारे पास आ गए तो तुम बेफिक्र हो जाओ। तो बस तब मैंने कहा बस अब मुझे नोआ में ही रहना है। मैं वाकई में बेफिक्र हो गई थी। ठीक है, तो जो आपका सीएसएस के साथ फाइनल इंटरव्यू था एफपीएससी के साथ, उसका फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो भी बेफिक्री में हो गया या मुश्किल पेश आई? मेरा इंटरव्यू उस दिन होना था जिस रात को जलजला आया था बहुत बुरा वाला। तो उस दिन पहले से मुझे ये टेंशन थी कि मैं रात को सोऊंगी कैसे, कल को मेरा इंटरव्यू, ऑब्वियसली मतलब इट्स अ बिग डे, जिंदगी का सबसे अहम दिन होता है। तो लेकिन फिर जल्द आ गया और इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मुझे ये था कि मुझे नई जिंदगी मिली है तो अब इंटरव्यू भी हो जाएगा, बस पहले अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। तो उस रात मैं अच्छी तरह से सोई मिरेकुलसली, और फिर कल को जब मेरा इंटरव्यू था, मेरा असल में मैं पेशावर सेंटर की आखिरी कैंडिडेट थी। अच्छा। तो मैं और मतलब वो अल्लाह का एक करम ऐसा हुआ कि जैसी मुझे बहुत टेंशन थी इंटरव्यू से पहले, मैं आधे घंटे वॉक कर रही थी टेंशन में लेकिन कम नहीं हो रही थी, और जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम गई मुझे अभी तक ये समझ नहीं आती मेरी टेंशन कहाँ पर चली गई थी। मतलब मुझे लगता है मैं, और इवन सर भी कहते हैं कि मैं मतलब वन ऑफ दोज कैंडिडेट्स थी जो बहुत काम थे, और मैं बाय नेचर शायद होंगी लेकिन जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि मैं मॉक इंटरव्यूज में भी इतनी काम नहीं रही जितना मैं मेन इंटरव्यू में रिलैक्स रही थी। तो ज़रगुना, इंटरव्यू के एंड पे हमारे देखने वालों के साथ कोई मैसेज आप शेयर करना चाहें, जो एस्पायरेंट्स अभी सीएसएस 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको कोई टिप देना चाहें आप? अच्छा, मेरा एस्पायरेंट्स को ये मैसेज है कि अगर सीएसएस के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, एक कंसिस्टेंसी और दूसरी सेल्फ अवेयरनेस। मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फॉर 10 आवर्स इन अ डे या मोर देन 10 आवर्स, अक्सर लोग 18 घंटे पढ़ते हैं, उसकी जगह रोज़ पढ़े, थोड़ा पढ़े। लेकिन मतलब ये होता है कि ज़्यादा पढ़ेंगे वो बंदा थक जाता है, अगले दिन 4-5 दिन तक वो नहीं पढ़ पाता। जब कम पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे तो वो एनर्जी मेंटेन रहेगी। दूसरी ये रहेगी कि मतलब अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बंदे को अवेयरनेस होनी चाहिए। एक ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होता। जो स्ट्रेंथ्स हैं तो वो आपको इनकरेज करेंगे, जो वीकनेसेस हैं तो वो अपने वीकनेसेस का पता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब वीकनेस का पता नहीं होगा तो वो ओवरकम नहीं होंगे। मेरा हमेशा से इंटरव्यू में भी ये रहा, मुझे रोज़ अपना एक वीकनेस पता चलता, मैं रोज़ सर के पास आकर बैठी, मैं कहा सर मेरे साथ ये मसला है, वो वीकनेस ओवरकम हो जाती, उसके अगले दिन एक और नई वीकनेस मिल जाती। अच्छा, इंटरव्यू के डे तक मैंने अपनी, इवन आखिरी दिन तक मैंने अपनी वीकनेसेस ओवरकम करने की काफ़ी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट यह है कि मैं पेशावर सेंटर में आई वॉज द टॉपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच ज़रगुना, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड गुड लक इन योर फ्यूचर इंडियर्स। थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थी ज़रगुना खालिद सईद, जिन्होंने सीएसएस 2022 के इम्तिहान को पास करते हुए पूरे पाकिस्तान में 36 पोजीशन हासिल की है। पाकिस्तान में ज़रगुना केपी से और मर्दान से बिलोंग करती हैं जहाँ से उन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की है और उनकी एलोकेशन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुई है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज। अल्लाह हाफिज़।